हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अभिषेक बच्चन के बारे में और उनकी मूवीज के बारे में जिन्होंने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई है। आप सोचते होंगे अभिषेक बच्चन और उनकी 100 करोड़ मूवीज आखिर कौन सी होगी। आपको बता दूं, ज्यादातर जो भी उनकी फिल्म में ये 100 करोड़ क्लब में गई है, कोई सोलो फिल्म नहीं है। सभी फिल्म कहीं ना कहीं मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हम उनके लिस्ट की बात करें तो उनके पास ज्यादा कुछ हिट फिल्में तो ऑफकोर्स है, लेकिन ज्यादा एक मतलब एकदम वैसे मतलब लेवल पे नहीं है। मतलब हर कोई फिल्में उनकी अच्छी नहीं चलती है, कुछ फिल्मों ने खराब प्रदर्शन भी किया है और सोलो फिल्म जब भी आई ज्यादातर अभिषेक बच्चन की वो लगभग लगभग फ्लॉपी रही है। ये सब कहीं ना कहीं इश्यूज अभिषेक बच्चन के साथ होते। लास्ट टाइम वो नजर आए थे हाउसफुल 3 में, वो फिल्में बहुत बढ़िया गई थी। तो 100 करोड़ क्लब में की अगर बात करें अभिषेक बच्चन की फिल्मों की, तो 4 फिल्में उनकी अभी तक जा चुकी है। मैं आपको करोड़ के हिसाब से बताता हूँ कम से ज्यादा। सबसे जो पहली फिल्म आती है इस लिस्ट में, मैं एक लिस्ट कर रखा हूँ मेरे पास। सबसे पहली फिल्म आती है 102 करोड़ जिसने कमाया 2012 में रिलीज हुई थी, ये है बोल बच्चन। जी हाँ, बोल बच्चन रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी, 2012 में आई थी ये फिल्म और ये फिल्म 102 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही 2012 में के हिसाब से दिखाया तो बहुत अच्छा प्रयास था मेकर्स का और ये फिल्म कमाने में कामयाब हुई थी। इसके साथ अजय देवगन की इस फिल्म में शामिल थे। दूसरी फिल्म की अगर बात करूं तो 107 करोड़ का बिजनेस आता है हाउसफुल 3 का। जी हाँ, 2016 में रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार भी उस फिल्म में शामिल थे, नितेश देशमुख भी थे और अभिषेक बच्चन भी थे। तो हाउसफुल 3 का 107 करोड़ ये फिल्म कमा ली थी, तो एक अच्छी मतलब बात है अभिषेक बच्चन की। एटलीस्ट उसकी फिल्म में 100 करोड़ में जाती है, चाहे मल्टी स्टारर हो या सिंगल स्टार, तो नहीं मल्टी स्टारर ही होती है। तीसरी फिल्म का मैं जिक्र करूंगा तो वो तीसरी फिल्म जो जिन्होंने अच्छा खासा कमाल किया था, यानी कि मैं कहूंगा कि 200 करोड़ के ऊपर भी कमाने में कामयाब हुई थी, वो थी 2014 की हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान थे, अभिषेक बच्चन तो थे ही और साथ ही साथ बोमन ईरानी थे और विवेन थे, तो कई सारे एक्टर्स थे, सोनू सूद भी थे। तो वो फिल्म का अगर कलेक्शन की बात की जाए तो 203 करोड़ उस फिल्म ने कमाए थे, जो कि बहुत बढ़िया कलेक्शन था। तो हैप्पी न्यू ईयर पहली फिल्म थी जो 3 दिन में 108 करोड़ तक का बिजनेस कमा चुकी है, कोई और फिल्म ने वो रिकॉर्ड अभी तक तोड़ा नहीं है, एटलीस्ट बॉलीवुड फिल्मों ने। तो 203 करोड़ के साथ हैप्पी न्यू ईयर तीसरे नंबर पे उनके लिस्ट में। जो चौथे नंबर पे है वो उनकी धूम सीरीज की फिल्म है। धूम थी जो 2013 में आई थी धूम थी। धूम थी का जो कलेक्शंस की अगर बात करूं, धूम थी का कलेक्शन है 280 करोड़। जी हाँ, 280 करोड़ इज द कलेक्शन ऑफ धूम थी मूवी, और जो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आमिर खान के साथ ये मूवी आई थी उनकी, और ये चोपड़ा भी थे शामिल इस फिल्म में, और इस फिल्म में 280 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी। तो ये 4 फिल्में थी जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया अभिषेक बच्चन कैरियर में। तो आप लोग भी सरप्राइज होंगे इससे, हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्में भी इसी तरह का कमाल करें। और इसके अलावा बात करूं तो उनकी एक और फिल्म है धूम टू का अगर हम कलेक्शन की बात करें, जो 2006 में आई थी, तो उसका कलेक्शन कुछ 82 से 83 करोड़ था। तो उस टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया कमाल किया था उस फिल्म ने, और उस हिसाब के कलेक्शन की अभी के कलेक्शन की बात की जाए तो करीबन 150 करोड़ का कलेक्शन तो हम मान के चलेंगे अगर धूम टू का अभी के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो। लेकिन ये 4 फिल्में थी जो मैंने बताया, ये 100 करोड़ के आंकड़े में है। तो अभी ये सुनने में आया था कि अभिषेक बच्चन और एक फिल्म में साइन कर रहे हैं, वो भी प्रभु देवा के साथ, देखते हैं किस तरह से वो फिल्में कमाल करते हैं। आई थिंक ये सोलो प्रोजेक्ट है तो अभिषेक बच्चन पे काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पेश हुई तो जरूर बताऊंगा। और आपको क्या लगता है कौन सी फिल्में अभिषेक बच्चन की आएगी, कमा लेंगे, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।